अभी मैं विकास खंड महमूदाबाद के ग्राम पंचायत जो है खुसरुआ में पहुँचे हैं और यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय देख सकते हैं। और अभी अंदर चलते हैं और जानकारी करते हैं कि किस तरीके की जो है बरसात का महीना है और शिक्षा व्यवस्था पे क्या काम कर रहे हैं टीचर लोग। जानकारी मिल रही थी, अंदर चलते हैं प्रांगण में। सबसे पहले तो यहाँ की व्यवस्थाएं दिखा देते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये शौचालय देखिए बना हुआ है, ये शौचालय इसमें देखिए जो ताला लगा हुआ है ये अभी भी ताला लगा हुआ है। और इधर का जो है शौचालय दोनों में जो है ताले नज़र आ रहे हैं। और भी पूछते हैं सर लोगों से कि क्या जो है किचन का स्टोर है ये। और यहाँ पे देखिए अंदर पानी भी भर गया है और यहाँ की व्यवस्था देखिए किस प्रकार की है। आप टीचर हैं सर? शिक्षा मित्र है, क्या नाम है सर? बेतराम। यहाँ पे कितने टोटल टीचर हैं? 4 टीचर हैं। हेड कौन है? श्री कुलदीप कुमार। आए हैं आज? जी आए हैं, दूध लेने गए हैं। दूध लेने गए आता नहीं यहाँ पे? आता नहीं, लेने गए हैं। बड़ी अच्छा। मैम से बात करते हैं, मैम से जानकारी देते हैं। मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैम नाम क्या है आपका? शोभिता श्रीवास्तव। मैम टोटल टीचर कितने यहाँ पे हैं? 3 टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र सर हैं। अच्छा। एक हेड, 2 असिस्टेंट और एक शिक्षक। एक जानकारी मिल रही थी कि जो यहाँ के हेड हैं उनका नाम क्या है? कुलदीप कुमार सर। कुलदीप कुमार कि ये डेली आते हैं और अटेंडेंस लगा करके चले जाते हैं, क्या है सच्चाई? ऐसी जानकारी बराबर मिल रही है कि अटेंडेंस तो आते हैं सुबह और अटेंडेंस लगा देते हैं फिर निकल जाते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई। आज आए हैं? बिल्कुल आए, अभी आए थे, दूध लेने गए हैं। अच्छा दूध लेने गए हैं, क्या बन रहा है आज? आंटी क्या बन रहा है? तहरी। तहरी। नाम क्या आंटी? शकुंतला। तीनों लोग खाना ही बनाते हो, रसोई होती है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमा देवी। आपका? हिरन नाम है। हिरन, क्या बन रहा है खाने का? तहरी बन रही है। तहरी बन रही है। अच्छा, जो बच्चों के लिए दूध वगैरह फ्रूट्स आते हैं वो सब बच्चों को मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा देखते हैं कि सर अंदर अंदर सर है? जी, रमेश सर। चलते हैं अंदर देखते हैं कि ये जो सर नमस्ते। सर नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। सर ये बताइए कि यहाँ पे हेड कौन है? श्री कुलदीप कुमार। आज आए हैं कि नहीं? आए थे। आए फिर कहाँ गए? अब आज शायद गुड़ैचा गए होंगे। हैं? दूध आज है, बुधवार का दिन। दूध लेने खुद जाते हैं या फिर यहाँ डेली? नहीं यहाँ तो कोई नहीं आता है, डेरी नहीं जाना पड़ता है। हाँ कहीं ऊपर गुड़ैचा में डेरी है। हाँ। तो वहाँ से लाते हैं दूध। यहाँ पर भी तो आ सकते हैं देने के लिए? हाँ दूध पहले आता था लेकिन वो अच्छा नहीं था, कुछ मिलावट वाला पानी वाला दूध ज़्यादा आता था। तो आप अपने हाथ स्वयं जा करके डेरी पर से लाते हैं। सोमवार को फल भी बढ़ते हैं, वो भी अपने हाथ लाने पड़ते हैं। अपने हाथ से लेने जाते हैं? हाँ फल भी अपने हाथ। समय बर्बाद होता है? हाँ अब यहाँ गुड़ैचा पड़ोस में है, जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर खाना जो पहले पंचायत से बनता था। हाँ। तो प्रधान लाते थे। अच्छा। अब चूँकि हेडमास्टर साहब बनवाते हैं। हाँ। तो व्यवस्था विद्यालय को करनी पड़ती है। जानकारी मिल रही थी कि जो कुलदीप सर हैं हेडमास्टर यहाँ के, वो सुबह सुबह आते हैं और अटेंडेंस लगा देते हैं अपनी प्रेजेंट और फिर निकल जाते हैं? ऐसा तो नहीं, ऐसा जानकारी मिल रही है ग्रामीणों के द्वारा बराबर सूचना मिल रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, बच्चों से पूछ लीजिए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा इस क्लास में किस क्लास के बच्चे? ये कक्षा 5 के हैं। वास्तव में अब ये पढ़ाई का सिस्टम हो गया है कि अब कक्षा 5 और 4। हाँ। ये दोनों में से 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक बेसिक का और एक एडवांस का। अच्छा, अच्छा। तो एडवांस में वो बच्चे रखे गए हैं जो अपना कक्षा 5 के स्तर का पाठ्यक्रम जो पढ़ लेते हैं उनको एडवांस ग्रुप में रखा गया है। और सर क्या पढ़ा रहे बच्चों? अब तो हिंदी का पाठ चल रहा था, अब हिंदी खत्म हो रही है, गणित शुरू होने जा रही है। अच्छा बच्चों से पूछ लें। बिल्कुल। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रोहिणी सर। रोहिणी किस क्लास में हो? 5 में। 5 में। जो हेड मास्टर हैं कुलदीप सर आते हैं डेली? जी सर। जी मैम। डेली आते हैं? जी मैम। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आकर के सुबह सुबह आते हो फिर चले जाते हैं? नहीं सर जाते। ऐसा कुछ नहीं है, डेली आते हैं? जी सर। पक्का? झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं। डर तो नहीं रही हो? नहीं। अच्छा पढ़ाई क्या कर रही है, क्या पढ़ रही बताओ? मैम जी हिंदी। हिंदी पढ़ रही? क्या क्या पढ़ लेते हो? सर मैम जी सब पढ़ लेती हूँ उसमें का। सब पढ़ लेती हूँ? जी मैम। कुछ पूछेंगे तो बता दोगे? जी मैम। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? मैम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के। बताइए कि डरो ना बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चों की तरह बात की जाती है। अच्छे बच्चे हो कि नहीं बताओ? डरो नहीं। अच्छे बच्चों, अच्छे बच्चे, बहुत क्यूट सी बच्ची हो। अच्छा ये बताओ देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैम जी सब पढ़ लेती हूँ उसमें का। सब पढ़ लेती हूँ? जी मैम। कुछ पूछेंगे तो बता दोगे? जी मैम। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? मैम जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के। बताइए कि
डरो ना बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चों की तरह बात की जाती है। अच्छे बच्चे हो कि नहीं बताओ? डरो नहीं। अच्छे बच्चे बहुत क्यूट सी बच्ची हो। अच्छा ये बताओ, देश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री को जानती हो? जानती है, लेकिन हमें लग रहा है कि डर रही बच्ची। डरिए ना बिल्कुल। मैं मुख्यमंत्री। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है बताओ? शिक्षा मंत्री कौन है? अच्छा क्लास में टीचर लोग बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं मैम। तो पढ़ाई ध्यान से क्यों नहीं पढ़ती? सर लोग इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं और आप लोग ध्यान नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कैसे सपना पूरा करोगी माँ बाप का बताओ? अच्छा पढ़ लिख करके बनोगी क्या बताओ? क्या बनना चाहती? डॉक्टर बनोगी, IAS बनोगी, PCS, क्या बनोगी बताओ? मैम डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर बनोगी तो पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी ना? यस मैम। तो याद क्यों नहीं रहता है बेटा? बच्चे जो है गांव के बच्चे हैं और सर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सर इतना बच्चे जो है पढ़ने में इतना कमजोर कैसे हैं सर? इधर भी पूछ लीजिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। सौरभ, सौरभ किस क्लास में हो? पाँच। पाँच में। ये बताओ देश के प्रधानमंत्री कौन है? योगी मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का नाम तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। हाँ बताओ। श्री नरेंद्र मोदी। वाओ क्यूट। इसके लिए पहले जो है ताली बजाइए इसके लिए। और देखिए ये बच्चा जो है कितने अच्छे से जो है नरेंद्र मोदी का नाम जानते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ही क्यूट से होते हैं। किस क्लास में किस हो? मैम जी पांच। नाम क्या है? मोहित। मोहित जी पढ़ाते हैं टीचर लोग। अच्छा ये बताओ ये जो हेड मास्टर हैं कुलदीप सर, वो आते हैं डेली? यस मैम। आते हैं फिर चले जाते हैं क्या? मैम जी जाते नहीं। नहीं जाते, नहीं जाते। आज आए थे सुबह? यस मैम। फिर कहाँ गए पता है? मैम जी दूध ले गए। दूध लेने गए हैं। अच्छा देखिए कि क्लास में इतने बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ जो जानकारी मिल रही थी, सर अभी सर को जरा फ़ोन करिए, कितनी देर में आएंगे? जय हम। अभी सर को फ़ोन करें, अभी बात करके सर से जाएंगे कि जो कि जानकारी मिल रही थी लगातार ग्रामीणों से कि यहाँ पे हेड मास्टर आते हैं और अटेंडेंस लगा करके चले जाते हैं। देखिए बराबर टीचर जो है क्लास में पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात हुई थी कि टीचर आ करके अटेंडेंस लगा कर चले जाते हैं, इसी जानकारी के अनुसार हम लोग पहुँचे थे। लेकिन जो यहाँ पे सर लोग बता रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं। सर नमस्ते। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार है। शिक्षा मित्र है कि सहायक? नहीं, मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक है उसकी तरफ से, जो बच्चों को पढ़ना नहीं आता, कमजोर बच्चे हैं, हाँ। तो उनको लगभग हम लोग स्कूल में 30 दिन तक ट्रीटमेंट, मतलब बच्चों को साथ काम करेंगे। 30 दिन हमारा ऐसा रहेगा, हम लोग दो स्कूल एक साथ लेते हैं, हाँ। तो 10 दिन यहाँ काम करेंगे, 10 दिन दूसरा। सर थोड़ा सा इधर से दिखेगा भी अच्छा सा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं बेसिक लेवल के, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो उनको हम लोग एक कमाल पद्धति है टीचिंग एड राइट ट्रेवल, उस पर काम करती है हमारी संस्था। तो उस पर क्या है, बच्चे अपने स्तर के अनुसार, कक्षा के अनुसार बच्चे पढ़ना सीख जाएं। अच्छा। जब बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे तो फिर अपना कोर्स और बाकी अन्य चीज़ें सीखेंगे। अच्छा जी। तो कब से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? मैम हमें चार तारीख नहीं, अभी आए हैं, चौथा दिन आज है, पाँच दिन। तो कितने दिन तक यहाँ पढ़ाएंगे? यहाँ 30 दिन तक रहेंगे, लेकिन हमारा प्रोसेस थोड़ा अलग है। 10 दिन यहाँ पढ़ाते हैं, 10 दिन दो स्कूल एक साल लेते हैं। अच्छा। 10 दिन यहाँ गैप कर देते हैं। गैप इसलिए कर देते हैं, जो बच्चों को सिखा के जाते हैं, हाँ। तो हमको एक मिल जाता है सजेशन कि किस बच्चे के साथ कितना मेहनत करना पड़ेगा मुझे, कि इसके साथ इतना मेहनत किए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ जो सिखा के जाते हैं। ये आपकी एक संस्था चलती है जिससे आप बच्चों, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, उनको आप जो है करते हैं? जी स्कूल में भी करते हैं, हाँ। और गांव में क्या है, हम लोगों ने बच्चों के चिल्ड्रन क्लब बनाए हैं। गांव में भी पढ़ाते हैं? गांव में भी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक और तीन चीजों पे हम लोग काम करते हैं, इन कम्युनिटी, इन स्कूल, इन कम्युनिकेशन। कुछ बच्चों के घर हम लोग मैसेज भी भेजते हैं, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के घर आते हैं मम्मी, और एक समूह हम लोग बनाते हैं कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के साथ मम्मी को। तो कुछ मम्मी लोगों को हम लोग, किस क्लास के बच्चों को? यहाँ सब मिक्स है, 4-5। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर, हाँ, हाँ जी। क्या पढ़ा रहे हैं सर, शुरुआत में क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों का प्रोसेस है, जैसे कमाल मैथोलॉजी है, सबसे पहले बच्चों को हम लोग मिक्स करके पहले कहानी बच्चों को सुनाते हैं, हाँ। बच्चे जब हम लोगों में घुल मिल जाते हैं, हाँ। तो जैसे बच्चों को पढ़ना नहीं, आवाज़ों के खेल, ध्वनि खेल हैं, हाँ। तो उसमें एक यूनिट हम लिख देते हैं, एक आवाज़ लिख देते हैं, बच्चे अपने आप देख लीजिए, हाँ। हम लिख दिए हैं, अब बच्चे एक आवाज़ अपने आप से जोड़ते हैं, फिर उस शब्द को जोड़ के, दोनों आवाज़ों को जोड़ के पढ़ते हैं, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जी तो बच्चों समझ में आ रहा है सर जो पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है जी मैम। किस क्लास में हो तुम? पाँच। पाँच में।
तो यहाँ पे सबसे बहुत अच्छी बात ये मिल गई है कि जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनको ट्रेन करने के लिए सर जो है एक संस्था की तरफ से यहाँ पर जो है एक महीने तक जो है मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ट्रेन करते हैं। तो सर गाँव में किस टाइम पढ़ाते हैं आप? गाँव में हम पढ़ाते नहीं, गाँव में सबसे मेन चीज़ ये है, हम लोग अभिभावक को थोड़ा अभिभावक से बातचीत करते हैं कि पर डे आप बच्चे को पढ़ने भेजिए और घर भी बैठाइए। जब तक बच्चा प्राइवेट पढ़े या सरकारी पढ़े, जब तक बच्चा घर नहीं पढ़ेगा तो वो क्वालिटी बच्चे में नहीं आती है। भले ही मान लीजिए यहाँ पर 10 शब्द सिखाए गए, अगर बच्चा 10 शब्द घर जाके पढ़ेगा हो सकता है 10 ना याद हों, लेकिन 5 तो याद हो जाएंगे, तो वो उसके आगे फिर उसकी जो शब्द भंडार उसका बढ़ता जाएगा तो सीखता जाएगा आगे। ये बहुत ही सराहनीय। सर क्या नाम है आपका? आप यहाँ के हेड मास्टर हैं? सर जानकारी मिल रही थी कि आप डेली आते हैं, अटेंडेंस लगा करके गायब हो जाते हैं, क्या सच्चाई सर है? अब केला लेने जाना पड़ता है या दूध वगैरह जितने बुधवार। अच्छा, अभी अभी आज आप दूध लेने गए थे, दूध कहाँ से लाते सर? रमेश होटल से बड़े। अच्छा सर, तो डेली लेने जाना पड़ता है? हाँ, लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूध देने नहीं आता कोई, दूधा वगैरह मतलब लगा लीजिए? दूध पहले लगाता है तो पानी बहुत ज्यादा गड़बड़ाता है। अच्छा, सही नहीं लाता? हाँ, सही नहीं लाता। तो डेली लेने जाना पड़ता है? डेली नहीं, बुधवार को सोमवार को। अच्छा, जिस दिन दूध यहाँ पे देना होता है बच्चों को उस दिन जाते हैं लेने। फ्रूट्स वगैरह जो आता है वो सोमवार को लेना जाना। यहाँ पे जो खाना बनता है वो अध्यापकों की तरफ से या पंचायत की तरफ से? अध्यापक की तरफ। अध्यापक